अपील की थी, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई, और सही डिसीजन एम्पायर का रहता है। जब भी कोई खिलाड़ी विकेट को बीच पाया जाता है तो लेग बिफोर होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, अगली गेंद इस बार करारा स्ट्रोक खेलने की कोशिश विजू की। एक रन जरूर लिया है यहाँ पर, एक रन से संतुष्ट रहना चाहते हैं वहां पर खिलाड़ी। एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 19। ये दूसरा ओवर का खेल चलता हुआ, अगली गेंद आशा पाटिल नॉर्थ स्टाइन से, टॉस गेंद उठाकर खेला है हाफ वॉली पर लेकर, एक रन दूसरे रन की मांग की थी, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग। ये ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 20, 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हो टीपीएल ट्रॉफी, लाजवाब आयोजन नियोजन किया गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने। का नाम क्या है भाई? अब नए गेंदबाज आए विशाल, दो ओवर की समाप्ति 20 रन, तीसरे ओवर लेकर आ रहे विशाल, स्ट्राइक पर है शिवा। सूरज की धूप बढ़ती हुई, इस बाहर बहुत ही बढ़िया गेंद थी, तेज तरार गेंद रॉकेट की तरह निकलती हुई कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं वहां पर, डॉट गेंद। थोड़ी सी नीचे रखी थी, उनको पता था कि शिवा ऊपर से खेलेंगे, लेकिन गेंद तेज तरह निकलती हुई कीपर के हाथों में। अगली गेंद फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, लेंथ और लाइन में गेंदबाजी कर रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे शिवा को लंबा स्ट्रोक लगाने का, फ्लैटेड गेंद रख रहे हैं, नीचे रख रहे हैं। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और अच्छी गेंद, तीसरी गेंद बैक टू बैक डॉट करते हुए विशाल, विशाल नाम जैसा विशाल है और गेंदबाजी विशाल जैसे कर रही है, अच्छी गेंदबाजी विक्टर 11 के पास। अगली गेंद फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, 4 गेंद डॉट किए अब तक, ऐसा लग रहा है मीडियम ओवर लाएंगे विशाल, पूरी तरह बांध के रखा है वहां पर शिवा को। बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, एक रन जरूर मिलेगा अतिरिक्त रूप में, 5 गेंदें अच्छी की है, एक वाइट गेंद की है, ये पांचवा वाइट किया है। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक था, उतनी बढ़िया फील्डिंग। अब जाकर बल्ले से संपर्क हुआ गेंद से, एक रन जरूर मिला है, एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 22, 22। विशाल,
विजू के लिए इस बार लोल फुटोस गेंद थी, उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद गई है कवर पॉइंट पर और ये जोश में होश खो बैठे, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। ओवर थ्रो किया था लेकिन फील्डर वहां पर कवर पे आए थे, एक रन जरूर मिला है। और ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गए 23 रन 23 तीन विकेटों के नुकसान पर। ओमकार स्पोर्ट्स विक्ट्री 11 जिन्होंने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करते हुए करण बिल्ला चौथी ओवर लेकर आए। कमलेश भाई आपका हार्दिक स्वागत है। पहली गेंद इस बार कारपेट द्वारा खेल दिया है मिड विकेट क्षेत्र में, मिस फील्ड हुई, उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, एक रन से संतुष्ट रहना चाहते हैं। करण बिल्ला की ये ओवर चलती हुई। कमलेश भाई आपका हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम टीपीएल ट्रॉफी 2020-22 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अगली गेंद इस बार कारपेट द्वारा खेल दिया है, गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र पर। जब तक फील्डर उस गेंद को फील्ड करते एक रन पूरा किया है, एक एक रन से रनों का आंकड़ा बदलते हुए, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा रखना हो तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। एक तरफ है शिवा, दूसरी तरफ विजू। करण बिल्ला इस बार तेज तरार गेंद, बहुत ही करारा प्रहार करना चाहते थे विजू वहां पर, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद से, डॉट गेंद होते हुए कोई रन नहीं वहां पर। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मारने की कोशिश वहां पर विजू की, लेकिन गेंद बल्ले से लगती हुई स्टंप से टकराई और किस्मत ने साथ दिया नहीं विजू का। किस्मत ने कहा है कि तुम्हारा बैड लक चल रहा है और यहां पर विकेट विजू का। लंबे स्ट्रोक लगाने में माहिर थे विजू, लेकिन इस बार चले नहीं, विकेट गिरता हुआ और ये सफलता विक्ट्री 11 के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे किरण बिल्ला। नाम है किरण बिल्ला और उनको विजू ने विकेट दिला। अब नए बल्लेबाज आए विजू की जगह लेने, चिन्ना। इस बार करारा स्ट्रोक खेल दिया है, ऑफ। ओहो, हाथ को खोला था लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाए और वहां पर
एक जीवन दान मिलता हुआ चिन्ना के लिए। अच्छा प्रयास जरूर किया है वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद हाथों से छूटी और कैच छूटा। दो रन पूरे किए बल्लेबाजों ने, दो रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 28-28, 27। इस बार करारा स्ट्रोक कारपेट द्वारा गेंद गई है डीप लॉन्ग ऑन पर, फील्डर वहां पर मौजूद। ओवर की समाप्ति, चार ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 28-28। चार विकेटों के नुकसान पर ओमकार स्पोर्ट्स। आप देख रहे हो TPL ट्रॉफी 2022 श्री साई स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया है। विशाल अगली ओवर लेकर आ रहे, विशाल स्ट्राइक पर है, चिन्ना नॉन स्ट्राइक पर, शिवा इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां पर। पिछली ओवर में विशाल ने बहुत ही बढ़िया गेंद की थी, सिर्फ एक रन खर्च किया था और शिवा को पांच गेंदे डॉट किए थे। लाजवाब गेंदबाजी की थी विशाल ने। अब दूसरी ओवर कर रहे हैं, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद और मिस फील्ड, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। मिस फील्ड होती हुई वहां पर स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों से और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, चार। चौके से स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हो गया अब 33-33 रन। विशाल अगली गेंद शिवा के लिए, इस बार फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है फील्डर वहां पर और ये विकेट। और बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, उठाकर खेलने की कोशिश किया था वहां पर शिवा ने और गेंद गई है मिड विकेट स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में, ये विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बढ़िया कैच, ये पांचवा विकेट गिरता हुआ ओमकार स्पोर्ट्स का। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विक्टर इलेवन के गेंदबाज। विशाल, किरण बिल्ला, नितिन, अब नए बल्लेबाज आए सोहन। इस बार फुल टॉस गेंद उठाकर खेला है आसमानी सैर और सूरज आंखों की रोशनी को कम करते हुए सूरज और ये कैच छूटा हुआ, मानो आंख का गोला बन चुके थे। ये गेंद सूरज को टच होकर आई है लेकिन गेंद दिखी नहीं फील्डर को और ये कैच छूटा हुआ, दो रन जरूर मिलेगा। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल का इशारा, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन से स्कोर बढ़कर हो गया अब 36। अगली गेंद इस बार उठाने की कोशिश, जोरदार अपील वहां पर, बल्ले का किनारा चूमते हुए कीपर के हाथों में ये विकेट गिरता हुआ चिन्ना का। नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहना है BCC और PCC दोनों ही टीम के कैप्टन, PCC के कैप्टन और BCC के कैप्टन,
अगले मैच के लिए आपको रेडी रहना है। चिन्ना आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए वेंकटेश। विशाल की अगली गेंद, इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। व्हाइट बॉल का इशारा। 1+1 टोटल 2 रन मिलेंगे। कुछ गेंदें अच्छी लाइन में की थी, कुछ गेंदें खराब गेंद की थी विशाल ने। अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार प्रहार करती हुई गेंद बल्लेबाज पर। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 38, 38 रन। बीसीसी और बीसीसी दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। बीसीसी और बीसीसी छठा ओवर लेकर आ रहे यमन। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां पर, गेंद बहुत ही बढ़िया यमन की। स्कोर थमता हुआ 38 रन हो चुके हैं अब तक। ये छठा ओवर का खेल चलता हुआ टीपीएल ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, विकेटों के बीच पाए गए और यहां पर लेग बिफोर विकेट गिरता हुआ वेंकटेश का। एलपीडब्ल्यू और बल्लेबाज नए बल्लेबाज आए चिरंजीवी। देखते हैं आखिरी ओवर में क्या करते हैं, लेकिन अपने लुक को उन्होंने बनाया है पुष्पा जैसा। मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा लग रहा है अल्लू अर्जुन आए बल्लेबाजी करने। देखते हैं अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ घुमाते हैं नहीं। यमन अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी विकेटों के ऊपर से निकलती हुई कीपर के हाथों में। अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। थर्टी एट रन अब तक।
अगली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार समझ नहीं पाए। अगली गेंद इस बार उठा कर खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है थर्ड मैन तरफ, एक रन लिया दूसरे रन की तरफ जा रही है और यहां पर विकेट, दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए और ये ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर का खेल चल रहा था, इसमें यमन ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, सिर्फ 2 रन खर्च किए, स्कोर हो गया है 39, जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। विक्ट्री 11 के लिए 40 रनों का टारगेट पीसीसी और बीसीसी। बीसीसी पोलार्ड मोहन सर, आपको रिक्वेस्ट है कि आपको स्टेज के पास आना है। मोहन सर मोहन सर आपको मैं विनंती करना चाहूंगा कि स्टेज के पास आना है। मोहन सर मोहन सर यहाँ पर आए हैं और दोनों टीम के बीच टॉस होने जा रहा है, एक तरफ बीसीसी तो दूसरी तरफ पीसीसी, दोनों अगल बगल की टीम है। राजू पंडी और श्रीधर, भाग्यनगर के राजू बंडी और पीसीसी के श्रीधर, मोहन सर इनके शुभ हाथों से ये टॉस दोनों टीम के बीच। टॉस जीता है पीसीसी ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। फील्डिंग लगाना है ओमकार स्पोर्ट्स, फील्डिंग सजाना है आपको।
ये पहला मुकाबला दोनों ही टीम के बीच, एक तरफ ओमकार स्पोर्ट्स दूसरी तरफ विक्ट्री इलेवन, पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई बल्लेबाजी करती हुई टॉस हारकर ओमकार स्पोर्ट्स ने बनाया 39 रन। अब जीतने के लिए चाहिए 40 रन 6 ओवरों में। देखते हैं कौन किस पे पड़ेगा भारी और कौन खाएगा चाय खारी। कड़ी धूप सूरज की ये तेज रोशनी इस ऐतिहासिक चैलेंज ग्राउंड पर गिरती हुई। आज का संडे सुपर संडे टीपीएल ट्रॉफी तेलुगु प्रीमियर लीग जो आयोजित किया गया है श्री साई स्पोर्ट्स ने। और सभी स्पॉन्सर्स का हम शुक्रिया कहना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए हमें स्पॉन्सर्स किया है। सन्माननीय विलासार पाटिल साहब, सन्माननीय महेश चौगले साहब, सन्माननीय मयूरेश पाटिल साहब और पप्पू टाइगर जी जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए हमें स्पॉन्सर्स किया, उनका हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। कुमार गुंडा बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कुमार गुंडा पूरा 4-5 दिन से पूरी तरह इस प्रतियोगिता के लिए मेहनत कर रहे हैं। लगातार 4-5 दिन से धूप में घूम रहे हैं, टीम से कांटेक्ट कर रहे हैं और इस प्रतियोगिता का सफलता करने के लिए बहुत ही मेहनत की है कुमार गुंडा ने। स्ट्राइक पर है विनायक, नॉन स्ट्राइक पर है राजू। पहली और चिन्ना की पहली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए विनायक, वन बाउंस कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। लाजवाब लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर प्रिंस मूवीज द्वारा इस बार हो किस्मत ने साथ दिया विनायक को और ये खतरा उनके सिर से हट गया। जैसे सूरज का खतरा इस धरती पर गिर रहा है इस रोशनी द्वारा, वैसे गेंद का खतरा हटता हुआ विनायक के ऊपर से बाल बाल बच गए। यहाँ पर विकेट गिरता था अगर उस गेंद को पकड़ते। चिन्ना की अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार उठाने की कोशिश और विनायक की पारी समाप्त। ये विनायक का विकेट गिरता हुआ। सफलता हासिल करने में माहिर है वहां पर चिन्ना, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, कई मैचों में अच्छी गेंदबाजी कर की है चिन्ना ने, लेकिन इस बार वही दोहराते हुए ये विकेट लेते हुए बहुत ही बढ़िया विकेट, कोई रन नहीं। हाँ, इस बार विकेट गिरता हुआ, ये बैक टू बैक दूसरा विकेट
और विकटों की यहाँ पर लड़ी लड़खड़ाती हुई। दोस्तों आप देख रहे हो टीपीएल ट्रॉफी 2022, जबरदस्त आयोजन नियोजन श्री साई स्पोर्ट्स ने किया है। चिन्ना अगली गेंद, इस बार पुल कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस 4 रन। अब जाकर बल्ले का संपर्क हुआ गेंद से और ये दुर्गा के बल्ले से चौका लगता हुआ। साउथ का हीरो लग रहा है, ऐसा लग रहा है दुर्गा। अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, यहाँ पर क्या हुआ है, ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंद चिन्ना की, सिर्फ 5 रन खर्च किए, 4 रन खर्च किए और 2 विकेटें हासिल किए चिन्ना ने। लाजवाब गेंदबाजी, 40 का टारगेट है, उस लक्ष्य का पीछा करते हुए ओम विक्ट्री 11। अगला मुकाबला दोनों ही बड़े दिग्गज टीम पीसीसी वर्सेस बीसीसी, पद्मनगर क्रिकेट क्लब और भाग्यनगर क्रिकेट क्लब, दोनों ही टीम के बीच ये मुकाबला। दूसरी ओर लेकर आ रहे राकेश, पहले ओवर में चिन्ना ने बहुत ही बढ़िया 5 रन खर्च किए, 2 विकेटें हासिल किए, स्ट्राइक पर है राजू, राकेश का सामना करेंगे, 40 का टारगेट है। आप देख रहे हो टीपीएल ट्रॉफी 2022, श्री साई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय। पहली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, डीप पॉइंट पर चिन्ना वहां पर मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा लेकिन एक एक रन से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि टारगेट है 40 का। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, उतनी बढ़िया गैप पे खेलने की कोशिश लेकिन चिन्ना वहां पर मौजूद, लगता है गेंद फिदा हो गई है चिन्ना पर, जब पहले ओवर में अच्छे 2 विकेट निकाले थे, अब गेंद बार बार चिन्ना के पास जा रही है।
स्कोर हो गया 6 रन। इस बार लॉर्ड फुलटॉस यॉर्कर करने की कोशिश, कारपेट द्वारा खेल दिया, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर धोनी की टेक्निक यूज करनी चाहिए, क्योंकि धोनी गेंद पर चले जाते हैं और डायरेक्ट हिट करते हैं स्टंप पर, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं। 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने, 2 रन से स्कोर बढ़कर हो गया 8। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा, स्कोर हो गया 9 रन। फिर से एक बार, इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार लाइन तो लेन में गेंद की थी, बल्लेबाज ने ऐसा लग रहा था कि छोड़ दिया है, कोई 50 ओवर की मैच हो या फिर टेस्ट मैच हो, गेंद को छोड़ दिया था। अगली गेंद, इस बार करारा स्ट्रोक राजू का, कर दिया गेंद को बाजू, वो है राजू, जबरदस्त लॉन्ग हाइटेड स्ट्रोक राजू का 6 रनों के लिए। 6 रन से स्कोर बढ़कर हो गया अब 15-15। यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो टीफील ट्रॉफी को, और आप तक पहुंचा रहे प्रिंस मूवीज। इस बार घुटनों के बल पर खेल दिया है, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 2 गेंदों पर 10 रन हासिल किए अब तक राजू ने, लाजवाब बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 19-19। बहुत ही महंगी साबित हुई अब यहां पर राकेश, पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे चिन्ना ने, दूसरी ओवर में 19 रन, 14 रन खर्च किए राकेश ने। 40 का टारगेट है, उस टारगेट का पीछा करते हुए विक्टर 11। अब तीसरी ओवर के लिए किसको मोर्चे पे लगाएंगे, किसको अच्छी गेंदबाजी करवाएंगे, अगर मुकाबले को जीतना है तो विकेटें हासिल करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे चिन्ना ने, 2 विकेट हासिल किए थे, अब फिर से तीसरी ओवर लेकर आ रहे चिन्ना। सामने स्ट्राइक पर दुर्गा, साउथ के हीरो लग रहे दुर्गा। इस बार जबरदस्त पुल कर दिया है, गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, 6 रन, लाजवाब शॉट दुर्गा का, अपना दुर्गा रूप दिखा दिया है दुर्गा ने, 6 रनों के लिए जबरदस्त स्ट्रोक। जैसे ही गेंद टप्पा खाने के बाद ऊपर उछली, उसे पुल कर दिया दुर्गा ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। फिर से एक बार हल्के हाथों से खेल दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास और वहां पर मिस फील्ड, 20 फील्ड होती हुई और सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। 4 रन से स्कोर बढ़कर हो गया अब 29-29। अब लक्ष्य तक पहुंचते हुए विक्ट्री 11। इस बार फुल टॉस गेंद थी और उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर दुर्गा। इस बार फिर से एक बार पुल कर दिया एक्शन रिप्ले, जैसे प्रिंस मूवीज आपको दिखाएंगे वैसे ही यहां पर दुर्गा ने दिखाया है,
लाजवाब स्ट्रोक दुर्गा का, वन जबरदस्त लॉन्ग लॉन्ग हाई सिक्स, स्कोर हो गया 35-35। अगली गेंद, जबरदस्त स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मगर जोरदार अपील की थी चिन्ना ने, उसे नकार कर दिया एम्पर ने। कोई रन नहीं वहां पर डॉट होते हुए, पहली ओवर अच्छी की थी चिन्ना ने, इस बार महंगे साबित होते हुए। फिर से एक बार, ओ हो, ये तो दूर दूर तक गई है 6 रनों के लिए, पूरी पारी को समाप्त। लाजवाब बल्लेबाजी दुर्गा, एक ही नाम एक ही काम, साउथ का दुर्गा। और इस पहले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच 27 रन बनाए दुर्गा ने, और मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे हैं दुर्गा।